नमस्कार दोस्तों, स्वाति भक्ति एंड ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि 2022 में करवा चौथ कब है, 12 या 13 अक्टूबर को, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और पूजा की विधि क्या रहेगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी हर साल करवा चौथ मनाया जाता है। इस व्रत को शुरू करने से पहले सुहागिन स्त्रियां सरगी का सेवन करती है। करवा चौथ व्रत वाले दिन सरगी सूर्योदय के पूर्व 4-5 बजे के करीब कर लेना चाहिए। सरगी में महिलाओं को नारियल पानी, मिठाई, मौसमी, दूध दही पानी और हल्की एनर्जी से भरी चीजों का सेवन करना चाहिए। करवा चौथ व्रत का पारण चंद्रमा के बाद ही किया जाता है। इस व्रत को हर एक सुहागन करती है अपने पति की लंबी आयु के लिए। वह दिन भर निर्जला उपवास करके करवा चौथ का व्रत करती है। इस साल करवा चौथ पर शिव परिवार और करवा माता का पूजा करके उन्हें प्रश्न जरूर करना चाहिए। अगर वो प्रश्न होंगे तो हमें साहब को सुहागन रखेंगे और आपके पति की आयु को लंबी करेंगे। इस साल करवा चौथ का पूजा का समय रहेगा 13 अक्टूबर 2022 को शाम 6:01 से लेकर के 7:15 तक। वही करवा चौथ का चंद्रोदय का समय रहेगा 13 अक्टूबर 2022 को रात 8:19 पर निकलेगी। करवा चौथ व्रत का पारण पति के हाथों करवा का जल पीकर किया जाता है। उसके बाद प्रसाद की मिठाई और फल ग्रहण करें। व्रत खोलने के बाद प्याज लहसुन एवं मांसाहारी भोजन का ग्रहण नहीं करें। सुहागिन स्त्रियां व्रत का पारण करने से पहले ब्राह्मणी को दान करना ना भूले। साथ ही पूजा में चढ़ाई गई सुहाग पिटारे को घर में सुहागिन महिलाओं को जरूर दे। मान्यता है इससे सौभाग्यवती का वरदान मिलता है। करवा चौथ वैसे तो हर साल अलग अलग दिनों पे पड़ता है, लेकिन इस बार 13 अक्टूबर को होगा और इस दिन आप सरगी जरूर कीजिएगा। सरगी करना भी पूजा का बहुत बड़ा नियम है और फल फूल खाने के बाद माता रानी को सुबह में उठ करके स्नान आदि करने के बाद पूजा के समय माता शिव परिवार को एक लाल चुन्नी जरूर ओढ़ाइएगा। मान्यता है कि माँ को लाल रंग बहुत पसंद है और इस दिन माता रानी को सुहागन का सामान भी जरूर दीजिएगा। उसके बाद उस सुहागन के सामान से आप अपने घर की महिलाओं को जरूर दीजिएगा। अगर आपके घर में कोई महिला सुहागन नहीं है तो आप उसे अपने सुहागन वाले पिटारे में रख दीजिएगा और उसका रोज उपयोग कीजिएगा। तो दोस्तों, करवा चौथ का यही कुछ जानकारी आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई थी। उम्मीद करूंगी पसंद आएगा। पसंद आने पे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में आप सभी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।